हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू चैनल गुल पहाड़ी। सो आज जा रहे हैं हम शिवपुरी धाम, जो कि समताना में है और ये काफी फेमस प्लेस है। ये है दशहरा के लिए फेमस। वैसे दशहरा बोलते हैं कि हमारा कुल्लू का फेमस है, बट कुल्लू की दशहरा जो है वो अलग चीज के लिए फेमस है। वहाँ पे जो देवी देवता हैं उनकी मतलब यात्रा वगैरह निकलती है, उनको लेके आते हैं उधर, वो उस चीज के लिए फेमस है। पर यहाँ का दशहरा, जो यहाँ पे पुतला बनाया जाता है रावण का, वो हिमाचल में सबसे ऊंचा पुतला इधर का ही होता है वैसे मैक्सिमम ऑफ द टाइम, पर काफ़ी फेमस दशहरा है। और जो प्लेस है ये घूमने के लिए वो भी काफ़ी फेमस है, बहुत दूर दूर से लोग इधर आते हैं। सो हमारे तो काफ़ी पास है और हम चले हैं। अभी हमारे साथ मामा जी हैं, वो चले हुए हैं, और दो सिस्टर जा रही हैं साथ में। सो घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। सो चलते हैं, अभी तो ट्रैकिंग करेंगे हम इधर से। सो मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी ये खड क्रॉस करने के बाद हम इधर से ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। ये आपको सेट दिख रहा है पास में, इधर से फिर इन घर की तरफ, फिर ये वाले घर, फिर ऊपर आपको घर दिख रहे होंगे इधर से, और इधर से पूरा यहाँ जैसे भी हमने जाना, बिल्कुल एक्यूरेट इधर। सो बिल्कुल पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, बहुत टाइम बाद मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। पहले बचपन में हम जाया करते थे, अब तो गाड़ियों में निकल जाते हैं। अब जो ये सामने दिखा रहा हूँ, ये मेरा गांव है और ये गांव में हमारे स्कूल है। तो परे वाली पहाड़ी से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर ही मैंने प्राइमरी तक की जो पढ़ाई करी है। अरे अरे भाई, ये तो दिखाना बनता है यार। अब हमारी साइड तो यार हम ट्रैक्टरों से जो है वो खेत जोत लेते हैं, पर ये पुराने टाइम का और ये थोड़ा पहाड़ी है, इधर ट्रैक्टर नहीं आते हैं। सो ये दिखाना बनता था यार, मैंने बोला दिखाते हैं आपको। सो दोस्तों, ट्रैकिंग हमने शुरू कर दी है और ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर हमने कवर कर दिया होगा। तो अब जो है यहाँ से 3 किलोमीटर बचा होगा, तो अभी चलते जाएंगे और आपको बताएंगे। मिलते हैं आगे। दोस्तों, काफी लंबा रास्ता कच्चा तय करने के बाद अब थोड़ा पक्का रास्ता आ गया है और हमारे साथियों को थोड़ा रिलीफ है। कैसा लग रहा है? थक चुके हैं बहुत ज्यादा। चलो जी, अब पक्का रास्ता है, इधर से पक्के रास्ते में चलेंगे हम। दोस्तों, अंधेरा हो चुका है, अभी तो कैमरे में फिर थोड़ी सी लाइट आ रही है, वैसे काफी अंधेरा हो चुका है इधर। और हम जो हैं वो तो मंदिर के काफी पास पहुंच चुके हैं, ठीक है जी। सो मंदिर इधर दिख रहा है हमें और घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है, शायद आरती चली हुई है अंदर। सो अभी तो काफी पास पहुंच चुके हैं, अभी आपको दिखाएंगे अंदर जाके भी। काफी अच्छी जगह है ये, शांति और बहुत जबरदस्त। काफी डेवलपमेंट हो चुकी है इस इलाके में, जैसे आप वॉशरूम देख रहे होंगे पीछे, ये भी काफी हाईफाई कर दिया हुआ है अगर आप देखेंगे करीब से। सो हर चीज में काफी डेवलपमेंट हो चुकी है। मैं भी काफी टाइम बाद इधर आ रहा हूँ और बड़ी ज्यादा चीजें मैंने इम्प्रूवमेंट देखी इधर, काफी अच्छा लग रहा है देख के। सो जैसे कि आप देखेंगे, ये गेट है, गेट पूरा इम्प्रूव कर दिया गया है और अलग से तरीके से डिजाइन कर दिया गया है, और काफी आगे मूर्ति आपको दिखाते हैं। तो ये जो शिव जी की मूर्ति है ये भी नहीं लगाई है, और यार कितनी प्यारी मूर्ति लगाई है। आई फीलिंग सो मच ब्लेस्ड जब मैं सोचता हूँ कि मेरा जन्म हिमाचल में हुआ है, और कितनी शांति आ रही है इस जगह में, बहुत प्यारी मूर्ति है। सो गाइस, टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है और अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, फिर भी हमें चीज़ें दिख रही हैं इधर। और ये जो है वो अगला एंट्रेंस गेट है मंदिर का। तो जी, अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली, और इधर किसी हवन वगैरह की तैयारी चल रही है, काफी दूर दूर से लोग इधर आते हैं हवन वगैरह करवाने। और जो गेट है उसके बिल्कुल सामने सरस्वती माता जी की मूर्ति है लगाई हुई, काफी प्यारी। तो चलते हैं, जिस चीज के लिए मंदिर फेमस है भोलेनाथ जी के लिए, इधर भोलेनाथ जी की जो पिंडी है वो स्थापित करी गई है। और यार बहुत तगड़े तरीके से इन्होंने रीडेकोरेट किया है इसको, पहले थोड़ा अलग सा था बट अब बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया है। किस तरह से इन्होंने डिजाइन किया, बहुत बढ़िया। और जी, अगला मंदिर जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये है माता शेरावाली का मंदिर, और हम माथा टेक लेते हैं इधर, और काफी प्यारी मूर्ति लगाई है इधर भी, और काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है।
और ये चीज मैंने फर्स्ट टाइम मिलिट्री टेम्पल में देखी थी, जैसे आरती वगैरह होती है तो ये ऑटोमेटिक खुद ही बज जाती है, मतलब घंटी वगैरह सब ड्रम वगैरह। अभी तो ये अंदर खुद बजा रहे हैं, वैसे खुद बजता है और ये काफी अच्छा लगता है बजे। तो चलो जी, सेल्फी वाला मजाक बहुत हो गया। ये जो है वो एंट्रेंस गेट है जो मैंने आपको बताया था, और देखो यार कितने तगड़े तरीके से इसको डिजाइन करा गया। पहले कुछ और तरीके से होता था, पहले यहाँ पे जैसे शेष नाग वगैरह होता था छत पे, बट यार अब इसको इतने तगड़े तरीके से डिजाइन करा गया है कि मतलब इधर से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और इतनी शांति, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको वर्ड में, बट बहुत जबरदस्त तरीके से। और जो लाइटिंग इन्होंने रखी हुई है बहुत तगड़े तरीके से डेकोरेट किया है। अगर आप हमीरपुर आते हो तो इस जगह को बिल्कुल विजिट करिए, बहुत प्यारी जगह है यार। और यहाँ पे और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे ये शनिदेव जी का मंदिर है और काफ़ी अच्छा मंदिर बनाया हुआ है, छोटा सा ये। और आगे जो है ये हमारे हनुमान जी का मंदिर है, जय बजरंगबली। और ये है जी हमारे बाबा बालकनाथ जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो है वो दशहरा के लिए फेमस है मंदिर। यहाँ पे बावड़ी है और आगे आपको यहाँ पे जो है वो खाना बनाने के लिए रसोई है, यहाँ पे लंगर लगता है। और कम से कम 20 से 25,000 तक लोग जो हैं वो दशहरा टाइम में इधर आते हैं, काफ़ी फेमस है, बहुत दूर दूर से लोग इस दशहरा को देखने के लिए आते हैं। सो गाइज, मेरे माइंड में प्लान तो आपको दशहरा का ग्राउंड जो था वो भी दिखाने का था, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है वो, बट अभी जो था वो अंधेरा था और कुछ भी दिख नहीं रहा था उधर, तो हमने प्लान किया कि अभी हम वापस चलते हैं इधर से। चलो रुको, हंसो मत, सुनो, अब हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं इधर, कुछ खा पी लेते हैं, काफ़ी देर से चले हुए हैं यार। सो दोस्तों, अब हम यहाँ रुके हैं थोड़ी देर, हमने रेस्ट ली है और खाने पीने के लिए हमने थोड़ा बहुत सामान ले लिया है, सो लेते हैं फिर चलेंगे इधर से। सो दोस्तों, अभी हम जाएंगे घर। और वीडियो तो आपको पसंद आ ही गया होगा, तो इसको लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।